अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 1 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बाय द नेम ऑफ टाइटल ओनली आपको आइडिया आया होगा कि हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन द फर्स्ट पिक्चर ओनली You can see some things like the drawing or a photo of some mudras, a stamp or vessels, etc. Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incident. सुबह उठते ही newspaper जिससे कि आपको पूरा दिन होने वाली सारी खबरें पता चलती है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम की होती है, अभी के वक्त की। आफ्टर सम टाइम दीज इवेंट्स बिकम द पास्ट, कुछ दिनों के बाद ये पास्ट बन जाता है, यानी कि पहले की बातें बन जाती है। वी रिकॉल द डेट एंड टाइम, हमें फिर से उस डेट को क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, वो फिर हमें याद करना पड़ता है। When the same type of incident happens, photographs and detailed information given of the past events in the newspaper help us to know our history. जिस डेट को जो हुआ था कुछ दिनों के बाद वो पास्ट बन जाता है, इस तरह पहले जो प्रेजेंट था हज़ारों साल के बाद वो हिस्ट्री बन गया है। In the above painting, you can see a stamp. Stamp means you see this stamp, right? An idol. Idol which were used to be worshipped by the humans. A seal, utensils, vessels means वो जो इस्तेमाल करते थे वो बर्तन, and various other टूल्स, और दूसरी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जो है वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। उनके लिए तो वो प्रेजेंट ही था, लेकिन हमारे लिए ये एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री की चीज़ें हैं। वी कम टू नो हिस्ट्री थ्रू सच सोर्सेस, ये सारी चीज़ें और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखी गई तो हमें मालूम पड़ा कि पहले ये सब होता था। So these are the sources of history. Now you understood. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. We know history of thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples means mandir, stepwells. Stepwells पहले के ज़माने में ऐसे कुएँ भी बनते थे जहाँ सीढ़ी उतरकर फिर पानी भरने के लिए जाते थे, एंड अदर साइट्स, और भी कई चीज़ें, कई बिल्डिंग्स, कई फोर्ट्स मीन्स किले देखकर हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, आप इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हो कि हिस्ट्री की जो भी जानकारी मिले, जैसे जानकारी देने वाला कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल ऐसा हो, उसको आप कलेक्ट करके एक स्क्रैप बुक में ऐड करके सारी इन्फॉर्मेशंस बना सकते हो। व्हेन कलेक्टिंग आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग्स वी गैदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, और ये जो आप जो पुराने पिक्चर्स और पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करोगे, यानी कि आप एक हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। यू माइट इवन नो सम पीपल हु हैव अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, आपको किसी के बारे में पता भी होगा कि जो ये हिस्ट्री कलेक्ट करने में और रखने में बहुत माहिर होते हैं। फ़ोटोग्राफ्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, कितनी बार हम देखते हैं किसी को पुराने पुराने कॉइन्स और स्टैम्प्स कलेक्ट करने की एक शौक़ होता है, एक हॉबी होती है। एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन, दिस ट्रेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन, अगर उन्होंने कलेक्ट करके रखा ही नहीं होता या प्रिजर्व करके सेव करके रखा ही नहीं होता तो हम तक कैसे पहुँचता। In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs on the incident and events of the 20th century, which became famous as the Millennium Gallery. एक एक्टिविटी की तरह 2000 में
न्यूज़पेपर्स ने 20th सेंचुरी में एक पूरी सेंचुरी में क्या क्या हुआ, क्या क्या था, वो सारे फोटोग्राफ्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पूरा आर्टिकल बनाया जिसे मिलेनियम गैलरी कहा जाता है, जिससे कि एक आउटलुक मिलता है हमें, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी को 20th सेंचुरी के बारे में जानना हो तो वो ये पूरा कलेक्शन देखकर आइडिया ले सकते हैं, जैसा कि हम अभी ये सारा देखकर हिस्ट्री के बारे में आइडिया ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम आर्टिकल्स एंड फोटोग्राफ्स। उस सेंचुरी में कौन कौन फेमस हुआ, किसने किसने क्या क्या काम किए, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो सारा हम जानते हैं। सिंस आर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट, हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट बहुत पुराना है, हज़ारों सालों पहले का है। वी आर ऑलवेज ईगर टू नो व्हाट पीपल वर ईटिंग एंड वेयरिंग इन। हमें हमेशा जानने की उत्सुकता रहती है कि हज़ारों साल पहले लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, हाउ दे लिव्ड एंड इन व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड द एक्टिविटीज़ दैट वर अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। हम तो रोज़ाना, हमारा जो रूटीन है उनका उससे थोड़ा अलग होता था, लेकिन फिर भी कैसा होता था वो हमें जानने की हमेशा एक एक्साइटमेंट होती रहती है। लेट अस गैदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। और इस तरह जो रिलायबल सोर्सेज है, जिसने ये सारा कलेक्ट करके रखा होता है, उससे हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, जिसमें से है नंबर 1 ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस। यू कैन सी इन द फोटोज बार्क ऑफ अ ट्री, मीन्स एक पेड़ की जो छाल होती है उसमें वो लोग रिटर्न वर्क मीन्स लिखते थे। सी ताड़पत्रस। वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेस। द ताड़पत्रा एंड भोजपत्रा मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन मोस्टली इन द पांडुस्क्रिप्ट आर सम ऑफ देम। भोजपत्रस आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम भोज। भोज नाम के ट्री से ये बनता था, इसलिए इसका नाम भोजपत्रा है, और इसकी लिपि होती थी पांडु। Although most of the Pandu manuscripts have been destroyed by insects, और जैसा कि ये tree bark है, insects जो होते हैं जीव जंतु, उन्होंने कुछ हिस्सा इसका ख़त्म कर दिया है। Some are still preserved in temples, viharas, libraries and government museums, और कुछ को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है जो कि अभी तक हमें देखने को मिलते हैं। यूजिंग दीज सोर्सेज वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ इन एंशियंट टाइम्स। ये सबसे हमें पहले के जो राजा थे वो क्या और किस तरह काम करते थे और पब्लिक लाइफ क्या थी, वो हमें पूरा आइडिया आता है। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि पत्थर पर लिखकर ये जो प्रिजर्व किया है, पत्थर पर जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, टू राइट ऑन स्टोन दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। सी इन एंशियंट टाइम्स मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रीटीज विद अदर स्टेट्स वर कार्व्ड ऑन स्टोन्स और मेटल प्लेट्स। उस वक्त के राजा कि जो जो विक्ट्रीज होती थी, जहाँ जहाँ वो जीत हासिल करते थे, उनके जो भी काम होते थे, जो मेन मेन चीज़, वो सारा कार्व किया जाता था, यानी कि पत्थर पर तराशा जाता था और मेटल प्लेट्स पर उसको लिखा जाता था। दीज मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग्स नोन एज इंस्क्रिप्शन। तो ये जो तराश कर लिखा जाता है इसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। एग्जिस्ट इवन टूडे एंड आर प्रिजर्व इन आर्कीव सच एज द नेशनल आर्कीव ऑफ दिल्ली। और ये सारा जो है, ये एक हम कह सकते हैं कि ज़्यादा बेटर आइडिया था, क्योंकि ये आज तक हमें प्रिजर्व मिलता है नेशनल आर्कीव ऑफ दिल्ली में। थर्ड पॉइंट, वेसल्स मीन्स के उनके इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, ऑर्नामेंट्स जैसे कि उनकी लेडीज़ या जो भी यूज़ करते थे ऑर्नामेंट्स, मीन्स इमिटेशन नेकलेस, ईयरिंग्स एट्सेट्रा एंड टूल्स। You can see in the photo vessel, a pot-like thing is there, ornaments and other tools. अलग अलग काम के हिसाब से, see wheel also is there, knife, necklace-like thing. During exhibitions means कितनी बार जब उत्खनन
कार्य किया जाता है, मीन्स कभी कोई बिल्डिंग या कुछ बनाना होता है, ज़मीन खोदी जाती है, उसमें से पुरानी पुरानी चीज़ें या पुरानी पुरानी प्लेसेस मिलती है। उस वक्त यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशियन ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियन टाइम्स। हमें वो चीज़ें तो मिलती है, फिर उस पर रिसर्च किया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि ये कितने साल पुरानी है, किसके ज़माने में पाई जाती थी। बेस्ड ऑन पिक्चर 1.4C, ये जिस तरह से चीज़ें मिलती गई, इस तरह से इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर अस। इंफॉर्मेशन ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम एन एग्जामिनेशन साइट नियर योर रेसिडेंस। Just as archaeologists do, we too can know the history of ancient times from old coins, stone inscriptions, painting, metal plates. कितने ही पहले के समय के जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने जो जो काम किए हैं वो सारा हमें उनके कॉइन्स, स्टोन्स, पेंटिंग्स, मेटल प्लेट्स, उनकी काव की हुई चीज़ें, ये सारे देखकर हमें आइडिया आता है। थिंग्स टू नो, हमें मेन क्या चीज़ें इस चैप्टर से लर्न करनी है। दीज आर द थिंग्स, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयस, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, भोज पत्रास, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवलॉग्स एट्सेट्रा। ये सारा जो है, इन सब से हमें हिस्ट्री का पूरा पूरा कंप्लीट आइडिया मिलता है। हम डिस्कवरी पर भी बहुत बार ये सारी चीज़ें देखते हैं। एंड वी शैल सी अदर वीडियोज़ ऑल्सो टू मेक इट अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और किस तरह की पुरानी चीज़ को पाकर उसका टाइम किस तरह पता लगाया जाता है, वैसे भी वीडियो हम आगे देखेंगे। स्टोन इंस्क्रिप्शन मीन्स द राइटिंग्स विच आर कार्व्ड ऑन स्टोन्स। भोज पत्रा मीन्स द बार्क ऑफ अ ट्री ऑन विच बुक्स वर रिटन इन एंशियंट टाइम्स। कॉपर प्लेट्स मीन्स इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टिन। कार्बन डेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ अ फाइंडिंग। ये हम वीडियो में इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह कार्बन डेटिंग सिस्टम से आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पता लगाते हैं कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है और कौन से राजा के ज़माने की है, एट्सेट्रा। एंड लास्ट पॉइंट, आर्काइव्स मीन्स प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हियर आर लेसन 1 ओवर। होप यू अंडरस्टैंड।